हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। आज मैं द बॉडी शॉप फूजी ग्रीन टी शार जेल का रिव्यू कर रही हूँ। दिस इज द प्रोडक्ट एंड आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि इसका प्राइस है 345 रुपीज़। 250 ml प्रोडक्ट क्वांटिटी है, 2 ईयर्स इसकी शेल्फ लाइफ है। बट मैं इसे इतना पसंद क्यों करती हूँ, क्योंकि ये समरी फ्रेश शार जेल है। टेक्स्चर देखिए आप इसका, कितना ज़्यादा लिक्विडी ब्यूटिफुल और बहुत ही समरी कलर है इसका। एंड टेक्स्चर मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ। दिस इज द टेक्स्चर, एकदम वाटरी ट्रांसपेरेंट एंड फ्रेग्रेंस इज सो सूदिंग। ये उनके लिए है जिनको स्किन में इन्फेक्शन होते हैं या फिर स्किन में एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है पूरी स्किन में, या जिनकी पीठ पर दाने निकलते हैं छोटे छोटे, या फिर जिनकी स्किन में कोई ना कोई इन्फेक्शन लगा ही रहता है, उनके लिए फूजी ग्रीन टी रेंज बहुत अच्छी है। आप फूजी ग्रीन टी रेंज में जाइए, आप उसके प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए। आपको ये विद एंटी ऑक्सीडेंट ग्रीन टी फ्रॉम जापान, दिस इज द एंटी ऑक्सीडेंट ग्रीन टी फ्रॉम जापान, तो आप इसको बिल्कुल बिंदास इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं लड़कों को भी रिकमेंड करने को बोलूंगी, बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्किन प्रॉब्लम, तो वो ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, वो ज़रूर इससे नहाएं। और इसको लूफा के साथ इस्तेमाल कीजिए और ये बहुत अच्छा है। मैं इसे रीपर्चेज करूंगी और इस बार मैं इसका बड़ा पैक लूंगी, जो आई थिंक 900 समथिंग का आता है, एंड ये तो 345 रुपीज का ही है। और आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट, आपको भी इससे प्यार हो जाएगा अगर आप इसे समर्स में इस्तेमाल करेंगे। आप अच्छा बॉडी शार जेल ढूंढ रही हैं तो इसके साथ जाइए। जरूरी नहीं है कि कोई ब्यूटी बार या फिर कोई आप ऐसा सोप लगाएं जिससे आपकी स्किन गोरी हो जाए। आप ऐसा लगाइए जिससे आप गर्मियों में घमोरियों से, इन्फेक्शन से, पसीने की बदबू से, और बहुत ज़्यादा रफनेस, डलनेस, और बहुत ज़्यादा छोटी छोटी जो स्किन इन्फेक्शन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे दूर रहें। फूजी ग्रीन टी, गो विद दिस। इसका बॉडी लोशन, इसकी सारी रेंज बहुत अच्छी है, स्किन इन्फेक्शन को रोकती है, और सबसे अच्छी रेंज मुझे यही लगी, बिकॉज ये स्किन का एक ऐसा फूड है जो स्किन को प्रोटेक्ट करता है। जी हाँ, सो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बट इसे लगा सकते हैं लड़के लड़कियाँ सभी। और ये आपको नायका से भी मिल जाएगा, बॉडी शॉप के आउटलेट पर मिल जाएगा, मॉल में तो ईजिली आपको मिल जाएगा ये। और पता है, ये सब चीज़ें हमें तब खरीदनी चाहिए जब इस पर ऑफ चलता है, बिकॉज थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बॉडी शॉप का जो ब्रांड है, बिकॉज ये 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। आप देख रहे हैं, नो एनिमल टेस्टिंग, क्रूएल्टी फ्री है ये, तो आप इसके साथ जाइए। एंड आफ्टर GST इसका प्राइस मैं 345 रुपीज़ बता रही हूँ दोस्तों। जी हाँ, और आप जब सेल लगती है बॉडी शॉप पे, तो आप ज़रूर इसकी बहुत सारी चीज़ें परचेज करके रख सकते हैं। इसका बॉडी बटर भी आता है, आप सब ट्राई कर सकते हो। इसका आई थिंक शैम्पू भी आता है, जी हाँ, फूजी ग्रीन टी का, जिनको हेयर्स में इन्फेक्शन होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं समर्स में, उनके लिए। सो दिस इज़ माई रिव्यू एंड दिस इज अमेजिंग प्रोडक्ट। आई जस्ट लव दिस शार जेल ऑफ माइन। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ मेरी अदर वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगी, और मुझे बताइएगा कि मेरी कौन सी वीडियो आपको बहुत बुरी लगी। और कुछ लोग परेशान हो जाते हैं एंड बहुत बोलते हो, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं दोस्तों बहुत बोलते हो ये वो। देखिए, थोड़ा सा सबका अपना अपना फ्लो होता है, तो हो जाती है 2-4 चीज़ें ऊपर नीचे, उसके लिए आप माइंड ना करें। एंड मेरे रिव्यू कैसे लगते हैं आपको, बस आप मुझे ये बताइए, और कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। ड्राई स्किन, रफ स्किन, डल स्किन, ऑयली स्किन, सब के लिए दिस इज द बेस्ट। इसे इस्तेमाल कीजिए, और इसका सोप भी आता है फूजी ग्रीन टी का, अगर आप सोप लवर हैं तो। थैंक यू सो मच। और मेरे अदर शार जेल्स के जो रिव्यू हैं आप उन्हें भी देख सकते हैं, बॉडी शॉप के भी हैं, फियामा के भी हैं, एंड वादी हर्बल्स के भी हैं, और भी मैं बहुत सारे शार जेल के रिव्यू करूंगी अगर आप मुझे कहेंगे तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। बट मुझे अभी तक बॉडी शॉप के अलावा एंड सेंट बॉटनिका के अलावा किसी और के शार जेल अच्छे नहीं लगे हैं, सो सॉरी अबाउट दैट, बट मुझे इसके सारे शार जेल बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। एक और चीज़, जो लोग बॉडी शॉप के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं वो जानते हैं कि ये प्रोडक्ट्स कितने ज़्यादा अमेजिंग हैं। तो आप अगर जानती हैं, आप इस्तेमाल करती हैं, करते हैं, तो आपको पता होगा। नहीं करते हैं तो आप एक बार ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।